लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं अक्षय आनंद। ये जेपी गोलंबर है, राम गुलाम चौक भी से कहते हैं। होटल मौर्या के सामने वाला जो गोलंबर है, गांधी मैदान के समीप वो, और यहां पर इतनी भीड़ क्यों लगी है उसका जवाब ये पोस्टर आपको बताएगा। किसान विरोधी कानून यानी कि कृषि बिल के विरोध में आज किसान न्याय मार्च जन अधिकार पार्टी यानी कि पप्पू यादव की पार्टी निकाल रही है गांधी मैदान से, सुभाष चंद्र बोस गोलंबर से। यह मार्च जो है वो राजभवन जाएगा। जाहिर सी बात है कि इसे उसके पहले के जिला प्रशासन की तरफ से जो सुरक्षा तैनात की गई है वो रोक लगा है। इस प्रदर्शन में महिलाएं भी हो सकती हैं, इसलिए महिलाएं भी तैनात है, महिला अधिकारी। और हाथ में ये जो झंडे दिख रहा है वो इस खंड में उन प्रदर्शनकारियों पर बरसने को तैयार है जो बात अगर नहीं मानते हैं प्रशासन की। रुकने को कहा जाएगा, जाहिर सी बात है, अगर नहीं रुकेंगे तो फिर ये सुरक्षाकर्मी जो है वो तैनात हैं कि उन्हें बल प्रयोग कर भी रोका जाए। ठंड का मौसम है और ठंड में लाठी से पहले चलता है वाटर कैनन। तो आप देख सकते हैं कि यही गोलंबर के समीप वाटर कैनन वरुण जो है बिहार सरकार का, वो यहाँ खड़ा है। फायर ब्रिगेड की गाड़ी खड़ी है, उसके भी वाटर कैनन का प्रयोग हो सकता है। पीछे एक वज्र वाहन भी खड़ा है, सिक्योरिटी मेजर को सिक्योरिटी मेजर को देगा। अब आइए लोग जो अधिकारी हैं उनसे बात करते हैं कि इनसे भी बात करेंगे। और आप देखिए कि और भी पुलिसकर्मी इधर तैनात है और पुलिस के सीनियर पदाधिकारी भी यहाँ पर हैं ताकि शनिवार को पटना की व्यवस्था में कोई कमी ना हो जाए, कोई चूक ना हो जाए, और इन चीज़ों का खास और तैयार जो है वो रखा जा रहा है। एक महिला अधिकृत नहीं है बाइक वाइक लेने के लिए, हर पुलिस अधिकारी जो है वो बाइक नहीं ले सकता है। सर किनसे बात किया जा सकता है, सर आपसे बात करें? प्रशासन की ओर से कोई बात नहीं कर रहा है, हालांकि खान साहब जो है फोन कॉल पर मिली है। अक्सर आप इन्हें देखते होंगे कि जब पटना में हालत बिगड़ती है तो ये बात है। सर आज किस तरह की तैयारी है? मुकम्मल है, क्योंकि देखिए राजभवन मार्च की बात कह रहे हैं साहब। सर आपसे बात कर सकते हैं क्या? जन अधिकार पार्टी जो है राजभवन मार्च करने की बात कह रही है, प्रशासन किस तरह से उन्हें कन्विंस करेगा इस प्रतिरोध को कमजोर करने को? चलिए तो प्रशासन अभी हालांकि कुछ नहीं कह रहे हैं, देखना है कि जो प्रदर्शनकारी हैं उनका संख्या बल क्या होता है, किस तरह से वो आगे बढ़ते हैं, और उसी के जवाब में जो है प्रशासन कार्रवाई करता है। पुलिस लाठियों के साथ भी तैनात है, वाटर कैनन भी है। और अगर यहाँ पर राम गुलाम चौक पर या विरोध अगर नहीं रुक पाता प्रशासन के द्वारा तो ये आगे डाक बंगला चौराहा तक जाएगा और वहाँ पर पुलिस रोकेगी, क्योंकि फिर उसके आगे से इनकम टैक्स गोलंबर के आगे एक क्षेत्र है जो प्रतिबंधित क्षेत्र है, जहाँ पर घुसना बिना इजाज़त के प्रदर्शन के नज़रिए से गैर कानूनी होता है। आप लाइव बिहार के साथ बने रहें, हर खबर के अपडेट हम और अमन आपको पहुंचाते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।